आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ सी द क्वेश्चन केयरफुली व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म विद सूटेबल एग्जांपल एक एग्जांपल लेकर के फेरोमैग्नेटिज्म को समझाइए फेरोमैग्नेटिज्म होता है एक परमानेंट पैरामैग्नेटिज्म जब किसी मॉलिक्यूल में या किसी एटम में या किसी आयन में डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाता है एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ में पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता चला जाता है जैसे हम आयरन की बात करें आयरन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन होता है थ्री में छह और फोर में दो इलेक्ट्रॉन्स अगर ये फेरस आय में कन्वर्ट होता है तो यहां से ये दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे और अगर ये फेरिक आयन में कन्वर्ट होता है तो ये एक और इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जाएगा तो फेरिक आयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम इसको वापस आयरन करते हैं फेरिक आयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं हम आर्गन थ्री डी फाइव फोर एस जीरो यानी डी ऑर्बिटल्स में पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं एक दो तीन चार पांच और फोर एस ऑर्बिटल खाली है इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ये फेरिक आयन का स्टेटस है डी ऑर्बिटल्स का अगर यहां पर इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला जाए तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा फाइव इंटू फाइव प्लस टू बोर मैग्नेटॉन ये बहुत बड़ी वैल्यू है फाइव इंटू सेवन दैट इज थर्टी फाइव अंडर रूट थर्टी फाइव बोर मैग्नेटॉन ये वैल्यू है करीब करीब फाइव पॉइंट नाइन टू बोर मैग्नेटॉन तो फेरिक आयन के लिए बहुत हाई वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट की है और इसलिए इस आयन में एक स्टेबल पैरामैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है और उस स्टेबल पैरामैग्नेटिज्म को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म दिस इज़ नोन एज फेरो मैग्नेटिज्म जो पैरामैग्नेटिज्म से ज्यादा होता है और स्टेबल होता है से लेके नीट आई आई टी चेंगी मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर